नमस्कार, वेलकम बैक। आज के जो ये एपिसोड है स्ट्रोक के बारे में, पैरालिसिस के बारे में, इस एपिसोड में बात करेंगे कि जो रेड फ्लैग साइंस है, जो लक्षण है लकवा का, वो क्या है और इसको हम इमरजेंसी क्यों बोलते हैं। देखिए, लकवा या पैरालिसिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय हो सकता है, अक्रॉस एनी एज ग्रुप, और इसका जो ट्रीटमेंट है ये टाइम डिपेंडेंट है। मतलब एक एक मिनट में, एक एक सेकेंड में कुछ ब्रेन का डैमेज होता है। सो जो गोल्डन आवर्स है वो हम ख़त्म हो जाता है तो ब्रेन का डैमेज परमानेंट हो जाता है, उसके बाद कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है। सो ये टाइम डिपेंडेंट मेडिकल इमरजेंसी है ना, तो इसीलिए ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसको हम जितना जल्दी उसका लक्षण को जानें तो, और हम सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचे तो उसका कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। इसीलिए ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। नंबर टू, ये जो लक्षण है, जो रेड फ्लैग साइन है, वो क्या है? देखिए, नंबर वन कि ये लकवा या पैरालिसिस सडनली होता है, अचानक होता है ना। कोई व्यक्ति ठीक है और अचानक उनको हाथ में, पैरों में कमजोरी आ जाना या ग्रिप नहीं कर पाना, या उनको बोलने में तुतलापन हो जाना या एकदम ही नहीं बोल पाना, या आँखों से दिखाई नहीं देना, या बार बार ऐसे हो रहा है कि आँखों के सामने पर्दा आते जा रहा है और फिर दोबारा ठीक हो जाता है, मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, इस तरह का लक्षण आना, या उनके मुंह जो है आप देखेंगे या बोलने के समय या हंसने के समय मुंह टेढ़ा हो जाना, या आदमी बेहोशी हो जाना सडनली, या चलते हुए उनको लड़खड़ाना, मतलब जैसे दारू पी के चलते हैं, एक साइड में कोई भी साइड में लड़खड़ा जाना, या उनको स्विंग बोलते हैं ना, इस तरह का होना। सो ये सारा लकवा का, पैरालिसिस का लक्षण है, दीज आर रेड फ्लैग साइन है। इस तरह का कोई भी लक्षण आपके कोई भी व्यक्ति को होता है, कोई फ्रेंड्स, घर में फैमिली मेंबर्स, किसी व्यक्ति को होता है, तो ये लक्षण को आप इग्नोर ना करें। आपके नियर बाय जो स्ट्रोक रेडी सेंटर है उसके पास, वहाँ पे पहुँचे टाइम पे, क्योंकि इससे आप टाइम पे पहुँचेंगे तो कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। अगले वीडियोज़ में हमें बात करेंगे कि स्ट्रोक रेडी सेंटर का मतलब क्या है और कहाँ पर जाना है, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।